नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के साथ ही राज्य में सियासी भूचाल सा आ गया है। मुख्यमंत्री खुले मंच से भाजपा पर साजिश के तहत जेल भेजने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए सीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कई भाषणों में कहते दिखे हैं कि वह जब केंद्र से बकाया राशि की मांग करते हैं तो उन्हें जेल भेजने की साजिश शुरू हो जाती है। प्रतुल शाहदेव ने बताया कि हेमंत सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में खुद कहते हुए दिखे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर रही है। आखिर आपके मंत्री तो पूरा तथ्य के साथ रखे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सिर्फ नोटिस दिया है, ना कि कोई वारंट कि उन्हें जेल हो जाएगी। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों ऐसा कह रहे हैं, या तो सीएम ही जाने। ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम है कि जब वह पूछताछ के लिए जाएंगे तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। सीएम की अंतरात्मा बोल रही है कि उनके गलत की सजा गलत तो होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एसआईटी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की थी। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, जांच में पूरी तरह से सहयोग किया और आखिर में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए जांच से भाग रहे हैं और गलत भाषण विभिन्न जगहों पर दे रहे हैं। या तो सीएम का स्क्रिप्ट राइटर गलत लिख कर दे रहा है, या फिर सीएम जानबूझकर ऐसा बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस और झामुमो ने राज्य की सत्ता में काबिज रहे हैं। झारखंड में 12 साल से अधिक सत्ता में रहे, लेकिन वह आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा भाजपा सत्ता में रही। जब अब जजमेंट में नजदीक आ रहे हैं, कयामत की रात सीएम के लिए जल्द आने वाली है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत भारी भरकम बकाया है केंद्र पे और पैसा मांगने के कारण उनको जेल में भेजने की साजिश हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे कि विधानसभा की प्रोसीडिंग को पलट कर देख लें, उनके ही माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का विधानसभा में बयान है कि केंद्र से हमें सब अपेक्षित सहयोग मिलता है, बैंक की राशि या अन्य राशि में जब भी हम लोगों ने केंद्र से जैसा जो आग्रह किया है वो केंद्र ने स्वीकार किया है। यह मंत्री रामेश्वर उरांव जी का ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बयान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके तक क्यों बोलने लगते हैं, और उनका कहना कि कोयले की रॉयल्टी से लेकर बहुत लंबा और चौड़ा कोई हिसाब बताते हैं। तो हमने उनको हमेशा कहा कि इसमें आप ये भी बताने का कष्ट करें कि जब आपके पिता आदरणीय शिबू सोरेन जी इस राष्ट्र के कोयला मंत्री थे तो उस समय क्या बकाया था, और उस समय शिबू सोरेन जी ने क्या प्रयास किया था इस पैसे को लाने का। बहरहाल केंद्र के लिए झारखंड हमेशा एक स्पेशल राज्य है और प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं इस ट्राइबल राज्य में कि इसका अपेक्षित विकास हो, राज्य का हमेशा सहयोग मिलता है। लेकिन हर घर नल में योजना में राज्य की क्या स्थिति ये भी किसी से छिपा नहीं है, पूरे राष्ट्र में ये अंतिम पायदान पर चल रहा है। अब लौटते माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने की साजिश, हम उनसे जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी झारखंड पुलिस 41A का हजारों नोटिस हर एक महीने में जारी करती है, तो उसमें तो कोई नहीं कहता कि आपको जेल भेजने की साजिश हो रही है। तो एक केंद्रीय एजेंसी ने आपको नोटिस जारी किया, तो इसमें आपको कैसे लग रहा है कि आप जेल जा रहे हैं? क्या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से इस बात को बोल रहे हैं कि आप जेल जा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी बाहर कुछ भी कर ले, उसकी अंतरात्मा में उसको सारी सच्चाई पता होती है कि उसने क्या गलत किया और इस गलती का अंजाम क्या होगा। तो शायद मुख्यमंत्री जी यहां पर अपनी अंतरात्मा की आवाज से जेल जाने की बात को कह रहे हैं। पर एक सिंपल सा नोटिस है साहब, सिंपल सा नोटिस को आप तामील करने की जगह आप इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, गलत बयानी का सहारा ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं हाई कोर्ट में सब जुडिस है जबकि वो डिफेक्टेड होता है, कभी कहते हैं ईडी के पास कि हमने डिफेक्ट दूर कर लिया, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि डिफेक्ट दूर नहीं हुआ इसलिए याचिका की अगली डेट पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी तमाम हथकंडे अपना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसीजर को डिले करने का। और जो ये आदिवासी का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी आपको अब कुछ फैक्ट्स को याद दिलाने का समय आ गया है। 28 मार्च 2010 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तत्कालीन गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 घंटे एसआईटी की जांच का सामना किया था और एसआईटी के हेडक्वार्टर जाकर। तो
तो उस समय तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री हूं, या मुझे कोई फंसाने की साजिश हो रही है। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका वक्तव्य था मुझे न्याय पर विश्वास है, मुझे अदालतों पर विश्वास है और मुझे विश्वास है कि सत्य की जय हो। फिर अंततः उनको यूपीए के कार्यकाल में ही क्लीन चिट मिला और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको इस मामले में क्लीन चिट दी। ये क्लीन चिट जो उनको एसआईटी ने दी थी वो 10 अप्रैल 2012 को दी थी, जिस समय यूपीए की ही सरकार थी। तो मुख्यमंत्री जी जो अपना आदिवासी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश थी। हमारे वर्तमान गृह मंत्री जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे गुजरात के, उनको सीबीआई ने 9 घंटे तक अपने कार्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि भाई मुझे किसी एक विशेष समुदाय का होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा था कि मुझे न्याय पर भरोसा है। और अंततः 1 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा दी गई हमारे गृह मंत्री को क्लीन चिट को स्वीकारा। तो मुख्यमंत्री जी को जो बार बार ये उनकी सुबह पे बात आती है कि मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, तो क्या ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है? वैसे काफी चीजों तो हम भी जानते हैं, जमीन घोटाला हुआ, उसके अतिरिक्त खनन घोटाला हुआ, और इसके जितने मुख्यमंत्री जी के करीबी थे, याद रखें उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिसको ईडी ने मुख्य अभियुक्त माना था माइनिंग स्कैम के, आज तक मुख्यमंत्री ने उनको विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया।